वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं करेले गोश्त बना रही हूँ। सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, इसीलिए थोड़े हैं। इसके लिए हमें प्याज चाहिए होंगे, नमक, टमाटर, करेले, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी और मिर्चें। और फ्रेंड्स, हम इसके अंदर चिकन भी डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स आप लोगों ने ज़रूर करना, ये ना हो कि जल जाए। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इसके अंदर अब हमने नमक ऐड करना है 1/2 टीस्पून। इसके बाद हमने हल्दी ऐड करनी है। थोड़ी सी हमने बस इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है कलर और खुशबू के लिए। और ये इसको सुरख मिर्च को हमने 1/2 स्पून ऐड करना है। इसके अंदर अब हम टमाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ओके फ्रेंड, अभी हम इसके अंदर करेले ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड, अब हम इसको दम पे लगा दें। ओके फ्रेंड, ये इमली का थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिक्स करें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और फ्रेंड, अभी हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। ओके फ्रेंड, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी ऐड कर लें। अगर आपको पसंद आया और आप अगर बनाना चाहते हैं घर में तो बना लें, और अगर आप चाहें तो 2 मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, हम इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। गरम मसाला, खुश्क धनिया, गरम, ये कितना डालना गरम मसाला। ओके फ्रेंड, हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स करते रहिए, ये ना हो के जल जाए और आप लोगों की मेहनत सारी बर्बाद हो जाए। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है गरम मसाला डालने की वजह से भी, और पहले भी बहुत मज़े की आ रही थी। खुश्क धनिया ऐड करेंगे हम। वाओ, ओके फ्रेंड, मिक्स को सही से कर लें। ओके फ्रेंड, ये देखिए कितने मज़े का है। और ये हमारा करेले गोश्त तैयार है। ओके फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में
कमेंट्स में बताइए कि ये कैसा है, और अगर आप लोगों ने बनाया तो मुझे एक पिक्चर सेंड करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।